शुरुआत करते हैं। बड़ी अपडेट पहले आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और आज प्रधानमंत्री जबलपुर पहुंचेंगे। सेना के गैरिसन ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो करीब 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। रानी दुर्गावती पर सिक्के और डाक टिकट भी आज जारी किए जाएंगे। तो आज वीरांगना दुर्गावती का 500वां जन्मदिन है। करीब 12,000 करोड़ के विकास कार्यों का प्रधानमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो आदिवासी वोटर्स पर पूरा पूरा फोकस रहेगा और साथ ही महाकौशल की 38 सीटों पर भी नजर बीजेपी बनाए हुए है। तो बड़ी अपडेट, आज प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर पहुंचेंगे जहां पर आदिवासी वोटर्स पर पूरा फोकस रहेगा। सेना के गैरिसन ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन भी किया जाएगा और करीब 100 करोड़ की लागत से ये रानी दुर्गावती का स्मारक तैयार किया जाना है और 12,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण देखने को मिलेगा। तो महाकौशल की 38 सीटें हैं, 38 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 38 में से सिर्फ 13 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी की कोशिश है कि महाकौशल में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी अपनी झोली में डाल पाए। तो मध्य प्रदेश में एसटी की बड़ी ताकत है, 80 सीटों को सीधा सीधा ये आदिवासी प्रभावित करते हैं। 2018 में बीजेपी को इस जगह से नुकसान उठाना पड़ा था। तो 2003 कांग्रेस का परंपरागत वोट था जहां पर कांग्रेस को फायदा मिला। तो बीजेपी ने अब मिशन एमपी शुरू किया है और इसमें अब जनजाति के गौरव को लेकर लगातार काम की बातें भी कही हैं। 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। तो 38 मुख्य सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 38 में से सिर्फ 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 7 महीने में प्रधानमंत्री के 8 मध्य प्रदेश दौरे हो चुके हैं। रीवा में रहे, इससे बाद 27 जून को भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। 1 जुलाई को शहडोल में आयुष्मान योजना पर काम शुरू हुआ था, वहां पर कार्ड बांटे गए थे। 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके बाद 14 सितंबर को बीना में केमिकल और रिफाइनरी के विस्तार का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद 25 सितंबर को भोपाल में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। 2 अक्टूबर को ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराया गया था, वहां प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी का जबलपुर दौरा है। तो 7 महीने में प्रधानमंत्री 8 मध्य प्रदेश के दौरे कर चुके हैं। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी समझ लीजिए। दोपहर लगभग 3 बजे डुमना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। दोपहर 3:10 पर सभा स्थल के लिए प्रधानमंत्री बाय रोड रवाना होंगे। दोपहर 3:20 पर प्रधानमंत्री मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे और इसके बाद गैरिसन ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन भी किया जाएगा। तो वहीं 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक तैयार किया जाना है, जिसका आज कार्यक्रम रहेगा। शाम को 5:10 पर प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।